Hello and good evening, students. Today we are going to cover literary movements. So welcome back to Global Online Platform. This is going to be our last lecture on literary movements. ठीक है, कल से हम दूसरे यूनिट को कवर करने की कोशिश करेंगे. सो दिस इज चांदनी स्वर्णकार एंड लेट्स बिगिन द जर्नी, राइट. सो वी आर गोइंग टू फर्स्ट टॉक अबाउट मूवमेंट पोएट्स. मूवमेंट पोएट्स के बारे में बात करते हैं. बेसिक आइडिया जो है, दो तीन चीज़ें ही तो आपको याद रखनी है. जैसे बेसिक आइडिया इनका मानना था कि जो पोइट्री होती है, जो अच्छी पोइट्री होती है, वो सिंपल होती है. उसका कंटेंट कैसा होता है? सेंशुअस होता है. ठीक है, यू नीड टू सेंशुअस होता है. फॉर्म जो होती है, फॉर्म कैसी होनी चाहिए पोइट्री की? डिग्निफाइड फॉर्म होनी चाहिए. ठीक है, ये आप याद रखेंगे. उसके बाद आप ये याद रखिए कि 1954 में ये जो टर्म है वो कॉइन किया गया था जेडी स्कॉट के द्वारा. ठीक है, ना कि ये रोमांटिक ट्रेडिशन को ही नहीं, इन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द मॉडर्निस्ट पोएट्स के अगेंस्ट भी रिएक्ट किया है. ठीक है, एक्सेप्ट दैट द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज आर द राइटर्स यू नीड टू रिमेम्बर, जैसे फिलिप लार्किन, किंग्सली एम एस, डोनाल्ड डेवी, डी जे एन राइट, जॉन वेन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, थॉम गन एंड रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट. ये आपको सारे याद रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट है. ठीक है, दैट्स इट विद मूवमेंट पोएट्स. लेट्स कवर द नेक्स्ट वन, थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड. थिएटर ऑफ ऑप्रेस्ड क्या है? देखिए, इनका बेसिक इंटेंशन ये था कि वो चाहते थे कि थिएटर के द्वारा वो सोशल चेंज लाएं, सोशल और पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश थी और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश इनकी रही है. ये इनका बेसिक आइडिया है. और ग्रुप इसलिए भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बाकी सारे ग्रुप से, क्योंकि ये बेसिकली ब्राज़ील में आया है इनिशियली, देन यूरोप में ये पॉपुलर हुआ है बाद में. ठीक है, ये डिस्क्राइब थिएट्रिकल फॉर्म्स एट द ब्राज़ीलियन थिएटर प्रैक्टिशनर अगस्तो फर्स्ट इलैबोरेटेड इन द 1970. सो ब्राज़ीलियन जो थिएटर जो थे, प्रैक्टिशनर जो थे अगस्तो, उनके थिएटरल फॉर्म को इलाबोरेट करता है, जो कि 1970s में उन्होंने इस बारे में बात की है. ठीक है, लेकिन एक बात और आपको जाननी है, जैसे बॉल जो थे, यहाँ पे बॉल वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉरी दिस इज वर्क, वेट अ मिनट, दिस इज वर्क. ओके, वेट, वर्क ऑफ द एजुकेटर एंड थ्योरिस्ट पॉलो फियरे एंड हिज बुक पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस. सो बॉल जो थे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किस चीज़ से? फियरे, बेसिकली पॉलो फियरे. ठीक है, एक थ्योरिस्ट है, उनके वर्क से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं. उनका बुक का नाम था पेडागॉजी ऑफ द ओप्रेस. ठीक है, बॉल बेसिकली अगस्टो बॉल ही कह रहे हैं, इनका पूरा नाम है अगस्टो बॉल. ठीक है, इनसे, इनके वर्क से, पॉलो फियरे के वर्क से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए. उसके बाद ये थिएटर ऑफ ओप्रेस्ड आया. ठीक है, एक ब्राज़ीलियन थिएटर प्रैक्टिशनर जो ऑगस्टो बॉल थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है. नाउ द थिंग यू नीड टू रिमेम्बर हियर, ऑप्रेस्ड में, थिएटर ऑफ द ऑप्रेस्ड में फोर टाइप्स ऑफ थिएटर्स होते हैं. ठीक है, मैं बताती हूँ. जैसे न्यूज़पेपर थिएटर हो गया, देन इमेज थिएटर, ओके, इनविजिबल थिएटर. ये आप याद रखिएगा, अभी तक क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं लेकिन फिर भी दे कैन आस्क. एंड फॉरम थिएटर, फॉरम थिएटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आ जाता है. ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है. नाउ जैसा कि मैंने बताया कि ये सोशल चेंज लाने की कोशिश करते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिकल चेंज लाने की कोशिश करते हैं. एंड 1970s में ये बेसिकली आया है, ब्राज़ील में सबसे पहले आया है एंड यूरोप में बाद में. अगस्तो बॉल वॉज अ वेरी फेमस राइटर इन टर्म्स ऑफ थिएटर ऑफ प्रेस. ठीक है, और पॉले फियरे भी बहुत ज़्यादा, पॉल फियरे का कॉन्ट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है, उनके वर्क के का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है. बस इतनी चीज़ें आप याद रखिए. ठीक है, लेट्स कवर द नेक्स्ट वन, कन्फेशनल पोइट. आपने कभी कन्फेस किया है चीज़ें? ऑफकोर्स किया होगा. तो राइटिंग में भी ये चीज़ होती है, वेन वेर राइटर इज़ कन्फेसिंग देर ओन लाइव, अबाउट देर ओन लाइव. ठीक है, तो ये चीज़ होती है. बेसिकली एक तरह का स्टाइल है पोइट्री का, जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होता है और फर्स्ट पर्सन नरेटिव होता है. ठीक है, आई विल जस्ट नीड टू राइट हियर. फर्स्ट पर्सन नरेटिव मतलब जो स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, उनसे ही आपको स्टोरी पता चलती है. फर्स्ट पर्सन ही सुना रहे होते हैं, जिनके बारे में स्टोरी होती है वही इंसान सुना रहा होता है. और बहुत ज़्यादा ये पर्सनल हो जाता है. ठीक है, ये एक तरह का, जैसे कन्फेशनल पोइट्री जो है इज़ अ स्टाइल ऑफ पोइट्री दैट इज़ पर्सनल ओफिन. आई एम सो सॉरी हियर,
ऑफन मेकिंग यूज ऑफ अ फर्स्ट पर्सन नरेटर। नाउ ब्रांच एक तरह का पोस्ट मॉडर्निज्म ब्रांच है जो कि यूएस में इमर्ज हुआ है 1950s के टाइम, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है। देन यू नीड टू रिमेंबर द राइटर्स, फॉर एग्जाम्पल रॉबर्ट लॉवेल, सिल्विया प्लैथ, जॉन बेरीमैन, एन सेक्सटिन एंड डब्ल्यू डी स्नॉडग्रास। नाउ दिस आर द राइटर्स आर इम्पोर्टेंट। सो कन्फेशनल पोइट्री में बेसिकली आप समझिए कि जो भी पोइट्री में लाइफ के बारे में, अपने ही लाइफ के बारे में जो राइटर है वो बात कर रहा हो, उसके बारे में बता रहा हो, सो दैट इज कॉल्ड कन्फेशनल पोइट्री। सो सिंपल। सो लेट्स कवर द नेक्स्ट वन। ओके नाउ बीट जनरेशन, लेट्स टॉक अबाउट बीट जनरेशन। वेट, या बीट जनरेशन, दिस इज लिटरली सब कल्चर मूवमेंट, ठीक है। सब कल्चर मूवमेंट है ये। बेसिकली ये क्या करता है ना, जो भी राइटर्स, ये एक तरह का ग्रुप है ऑथर्स का, ठीक है, स्टार्टेड बाई अ ग्रुप ऑफ ऑथर्स हुज वर्क एक्सप्लोर्ड एंड इन्फ्लुएंस अमेरिकन कल्चर। जिन राइटर्स के ग्रुप ने एक्सप्लोर किया है अमेरिकन कल्चर को, इन्फ्लुएंस किया है और इसके पॉलिटिक्स को, कल्चर एंड पॉलिटिक्स दोनों को पोस्ट वॉर एरा में, ठीक है, उसको हम बीट जनरेशन कह सकते हैं। देर इज अ ग्रुप, द राइटर्स आर एलन गिन्सबर्ग, विलियम एस बिरॉक, जैक किरोके किरोक बेसिकली, हर्बर्ट हंच एंड लूशियन कार। सो दिज आर द राइटर्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। बेसिकली आप ये समझिए कि एक ग्रुप था जिन्होंने अमेरिकन कल्चर एंड पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लोर किया और उसे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, किस टाइम पीरियड में, पोस्ट वॉर एरा में, ठीक है, वॉर के बाद का टाइम, ठीक है, उसको हम बीट जनरेशन कहते हैं। ये एक लिटरेरी सब कल्चर मूवमेंट है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू रिमेंबर। राइटर्स आप याद रखेंगे ऑब्वियसली। नाउ लेट्स कवर द नेक्स्ट वन, किचन सिंक ड्रामा। सी, किचन सिंक ड्रामा को जो है हम लोग किचन सिंक रियलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, किचन सिंक रियलिज्म। ये जो टर्म है वो कॉइन हुई है डेविड थॉम्सन के द्वारा, एक बुक लिखा था उन्होंने, अ बायोग्राफिकल डिक्शनरी ऑफ फिल्म, ठीक है, 1975 में, जहाँ पे इन्होंने ये टर्म जो है कॉइन किया है, ठीक है। नाउ बेसिक आइडिया जो किचन सिंक ड्रामा का है वो ये है कि डेली रोज के मर्रा के ज़िंदगी में जो हम लोग प्रॉब्लम झेलते हैं ना, द प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी डे लाइफ, दिस काइंड ऑफ वर्क रियली टॉक्स अबाउट दैट, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। इसके जो प्रोटोगनिस्ट हैं, ज़्यादातर जो प्रोटोगनिस्ट होते हैं वो एंग्री यंग मैन काइंड ऑफ होते हैं, ठीक है। जितने भी आप एंग्री यंग मैन कैरेक्टर देखोगे ना, यू कैन से दैट अगर वो प्रॉब्लम, डेली प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहा है, पोवर्टी के बारे में बात कर रहा है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट मूवी और दैट नॉवल और आर्ट और थिएटर एज किचन सिंक ड्रामा, ठीक है। नाउ लेट्स कवर द राइटर्स, राइटर्स हम कवर करते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट है ये। क्या है? एक ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश कल्चरल मूवमेंट जो कि डेवलप कब हुई है, डेवलप हुई है लेट 1950s को। वेट अ सेकेंड, या लेट 1950s एंड अर्ली 1960s के टाइम, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नाउ लेट्स कवर द राइटर्स। सो राइटर्स आपको सारे याद रखे हैं, जैसे जॉन ऑस्बिन, अशलाग एच डिलेने एंड आर्नोल्ड वेस्कर, दिस आर द राइटर्स आर इम्पोर्टेंट। ऑफकोर्स तीन है, आपको इजी होगा याद रखने में, ठीक है, ग्रेट। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, एग्जिस्टेंशियलिज्म। क्या है एग्जिस्टेंशियलिज्म? अगर आप यंग हैं और बहुत ज़्यादा इंस्पायर काइंड ऑफ और इंस्पायर होने में बिलीफ रखते हैं, तो ये आइडिया आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। ये एग्जिस्टेंशियलिज्म बेसिकली एक आइडिया को बोलते हैं जहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम हमें मिले, ताकि एक इंडिविजुअल जो है अपनी चॉइसेस खुद चूज़ कर सके, ठीक है, अपने चॉइसेस के लिए फ्री होना, इस तरह की मेंटालिटी जो फिलॉसफी है एग्जिस्टेंशियलिज्म की है, ठीक है। नाउ अलाउ करता है कि आप अपने गोल बना सकें, अपने खुद के गोल चूज़ कर सकें, आप अपना खुद जो करना चाह रहे हैं वो कर सके। ये बेसिकली आइडिया है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, जो कि हम यंग जो जनरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको याद रहेगी। नेक्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है, ये 20th century फिलोसफिकल मूवमेंट, ऑफकोर्स फिलोसफिकल है क्योंकि मैंने अभी बताया कि एक तरह का फिलोसफी के बारे में बात करती है। देन फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो सॉरेन हैं, ठीक है, दिस इज समथिंग लाइक दैट। ओके वेट अ सेकेंड,
दिस इज समथिंग लाइक दैट. ओके ओके नाउ यू नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैट एंड एक्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर द राइटर्स एसोसिएटेड विद इट. सो जीन पॉल सार्टर, एल्बर्ट कैमस, मार्टिन हेडगर, सिमोन डी बेवोर, कार्ल जेस्पर्स, गैब्रियल मार्शल एंड पॉल टिलिच. नाउ यू नीड टू रिमेंबर नॉट ऑल ऑफ देम. अगर आप सारे याद रखते हैं तो इट्स गुड फॉर यू, बट आप जीन पॉल सार्टर याद रखेंगे, एल्बर्ट कैमस, मार्टिन हेडगर, सिमोन डी बेवोर, क्योंकि ये सारे ना लिटरेरी थ्योरी में आपको पढ़ने होंगे. बस इतने आपको यू नीड टू रिमेंबर, फोर ऑफ देम, राइट. सो नाउ लेट्स कवर द नेक्स्ट वन, एगिथ प्रोप क्या होता है ये समझिए. इससे पहले आपको मैं एक बता देती हूँ बात. सोवियत यूनियन में ये जो टर्म है ना वो ओरिजिनेट हुई है, ठीक है. ये बेसिकली इस चीज़ के बारे में, जैसे पॉपुलर मीडिया हो गया, जैसे लिटरेचर, प्लेज, पैम्पलेट्स वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करती है, एक तरह का मैसेज पहुंचाती है, जहां पे जो ऑडियंस है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर ये समझती है कि हाँ ये बेसिकली इस पार्टी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इवन द ऑडियंस इज़ नॉट गेटिंग इट नो, तो भी एक इन्फ्लुएंस ऑडियंस के दिमाग में चला जाता है. बेसिकली कम्युनिज्म को फेवर करती है, कम्युनिज्म को जो फेवर करती है, जिस तरह की भी मीडिया, पीस ऑफ आर्ट, प्ले और पैम्फलेट, दैट इज़ कॉल्ड एगिटप्रॉप. इसका दूसरा नाम जो है वो है प्रोपेगेंडा. आपने बहुत सुना होगा, राइट. हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा ये वर्ड देखते हैं लोगों को यूज़ करते. दैट बर्टोल्ड ब्रेख्ट के वर्क जो है ना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जब हम एगिटप्रॉप के बारे में बात करते हैं, राइट. नाउ ये हाईली पॉलिटिसाइज थिएटर है, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेवर करने पे ध्यान देती है. आप बहुत सारे पिक्चर्स भी देख सकते हो, सर्च करके देखोगे तो आपको ज़्यादा रिलेटेड समझ में आएगा, आप रिलेट कर पाओगे. ओरिजिनेट हुई 1920s को यूरोप में और स्प्रेड हुई है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स में भी. सो दैट्स इट, दैट्स वी नीड टू रिमेंबर. वी हैव कवर्ड टुडे वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट. Now, thank you all for joining me today. I hope you find the session informative and helpful. So, let's meet in the next unit lecture. We'll cover the next unit in the upcoming lecture, okay? So, thank you so much and we'll meet in the next lecture. Thank you.